हे क्लास, वेलकम बैक इन टुडेज वीडियो लेसन। आज के चैप्टर में हम देखेंगे जो द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन वुमेन्स रोल चैप्टर है, उसके जो क्वेश्चन आंसर है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट है, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ लोकेट द लाइन्स इन द टेक्स्ट दैट सपोर्ट द टाइटल द एलिंग प्लैनेट। चैप्टर से उन लाइन्स को लोकेट करना है, उन लाइन्स का पता लगा करके हमें लिखना है जो इस बात को सपोर्ट करते हैं, जो इस बात को बताते हैं कि जो अर्थ है वो एक एलिंग प्लैनेट है। एलिंग प्लैनेट, जैसा कि अपने चैप्टर में भी समझा हुआ था, रोगी ग्रह, कराहता हुआ ग्रह, जो सफ़र कर रहा है, बीमार है, ऐसा जो प्लैनेट है। तो ऐसी कौन सी लाइन है जो इस बात का समर्थन करती है, जो इस लाइन, इस सेंटेंस को सपोर्ट करती है, दैट अर्थ इज़ एलिंग प्लैनेट। एंड द आंसर इज द लाइन्स सपोर्टिंग द टाइटल द एलिंग प्लैनेट आर, वो लाइन जो इस टाइटल को सपोर्ट करती हैं वो लाइन है द अर्थ्स वाइटल साइन रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। एक ये लाइन जो आई हुई है जो कि ये कहती है कि द अर्थ्स वाइटल साइन, अर्थ के कुछ ऐसे खास, वाइटल मीन्स होता है इंपॉर्टेंट, अर्थ में कुछ ऐसे वाइटल साइन है, साइन मतलब सिम्टम, उसके लक्षण, कुछ ऐसे लक्षण हैं जो इस बात को रिवील करते हैं, दर्शाते हैं, जो कि एक पेशेंट की तरह है, जो जिसकी हेल्थ जो है डिक्लाइनिंग है, यानी कि दिन ब दिन जो खराब हो रही है। इसके अलावा मैनी ऑफ इट्स स्पीसीज हैव ऑलमोस्ट बीन एक्सटिंक्ट। अर्थ में प्लांट्स, चाहे प्लांट हों चाहे एनिमल हों, बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं उनकी, जो कि ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एक्सटिंक्ट होना मीन्स होता है उनका अस्तित्व ख़त्म होना या ख़त्म होने के कगार पर होना, मतलब वो पहले थी बट अब नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी स्पीसीज हैं दैट हैव ऑलमोस्ट बिकम एक्सटिंक्ट। द लैंड, रिवर्स एंड सी हैव बीन पॉल्यूटेड। जो लैंड है, रिवर हैं, और जो सी, ओशन हैं, दे ऑल हैव बीन पॉल्यूटेड, ये सब पॉल्यूटेड हो चुके हैं, प्रदूषित हो चुके हैं। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज हैव बीन डिप्लेटेड बैडली। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्रकृति से मिलने वाले जो संसाधन हैं, पानी हो, हवा हो, जंगल हो, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लेटेड हो चुके हैं। और कैसे डिप्लेटेड हो चुके हैं, बैडली, बहुत ही बुरे तरीके से। डिप्लेटेड का मतलब होता है कम हो जाना, एक प्रकार से उसका ख़त्म हो जाना। तो सभी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म होने की कगार पर हैं। सम बिग एंड डिटरमाइंड मेजर्स आर नीडेड इफ वी वांट टू सेव दिस प्लैनेट एंड ऑल द लाइफ ऑन इट। अब आगे ये भी बोला जा रहा है कि कुछ बिग, बड़े और डिटरमाइंड, निश्चित मेजर्स आर नीडेड। मेजर्स जो हमें उसे कुछ कदम उठाने हैं, तो हमें कुछ बिग और डिटरमाइंड मेजर्स लेने की ज़रूरत है, कदम उठाने की ज़रूरत है। इफ़ वी वॉन्ट टू सेव दिस प्लैनेट, यदि हम इस प्लैनेट को सेव करना चाहते हैं, यदि हम इस ग्रह को बचाना चाहते हैं, एंड ऑल द लाइफ ऑन इट, और इस अर्थ में जितनी भी लाइफ हैं, यदि हम उन लाइफ को सेव करना चाहते हैं, तो हमें कुछ बिग और डिटरमाइंड मेजर्स लेने पड़ेंगे, कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट अ केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई। जाम्बिया में, लुसाका में एक जू है, एक चिड़ियाघर है, वहाँ पर केज में एक मैसेज, एक नोटिस लिखा हुआ है, और वो नोटिस है कि द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। ये जो मैसेज है ये क्या सिग्निफाई करता है, यानी कि इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्या शो करना चाहता है। आंसर इज एट लुसाका देयर इज़ अ केज वेयर द नोटिस रीड। लुसाका में, लुसाका कहाँ है, जाम्बिया में है ना, लुसाका में एक केज के अंदर, एक पिंजरे के अंदर एक नोटिस है, और उस नोटिस पे लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। देयर इज नो एनिमल इनसाइड द केज एक्सेप्ट अ मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ। अब उस केज के इनसाइड, उस पिंजरे के अंदर कोई भी एनिमल नहीं है, बल्कि वहाँ पे क्या है, एक मिरर है, एक आईना है, वेयर यू सी योरसेल्फ, जहाँ पर तुम खुद को देख सकते हो, हमें वहाँ पे खुद का अपना इमेज दिखता है। दिस सिग्निफाइज, ये बताता है दैट मैन इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड,
कि वर्ल्ड में जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है, जो सबसे खतरनाक जानवर है, वो कौन है? मैन, इंसान है, मनुष्य है। ही कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, और वो किसी भी चीज़ को, सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन इज हाउ आर द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डिप्लेटेड। जो अर्थ के जो प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो मुख्य जैविक सिस्टम यानी प्रणालियां हैं, वो किस तरीके से डिप्लेट हो रही हैं, कम हो रही हैं या नष्ट हो रही हैं। आंसर इज देयर आर 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ अर्थ। अर्थ के 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है, मुख्य जैविक सिस्टम है, और वो कौन कौन से हैं? देयर आर फिशरीज, पहला तो है फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। फिशरीज हैं यानी कि मछलियां जिसमें शामिल हैं, फॉरेस्ट हैं जंगल, ग्रासलैंड यानी कि जहाँ जो घास वाली भूमि है, मैदान है, और क्रॉपलैंड जो अनाज उगाने वाली ज़मीन है। तो इस तरह से देयर आर 4 बायोलॉजिकल सिस्टम, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। दे आर द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है, ये चारों उसके फाउंडेशन हैं। इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि जो अर्थव्यवस्था है, उसके ये बेसिक हैं, फाउंडेशन है, आधार हैं। देयर ओवर यूज़ बाय ह्यूमन इज कॉजिंग देयर फास्ट डिप्लेशन। और अब चूंकि इनका ओवर यूज़ हो रहा है, ओवर यूज़ अति दोहन, बहुत ज़्यादा इसका उपयोग करना, और किससे? बाय ह्यूमन, मनुष्य के द्वारा, इज कॉजिंग देयर फास्ट डिप्लेशन, इसके कारण इनका फास्ट डिप्लेशन हो रहा है। फास्ट डिप्लेशन मतलब कि बहुत तेज़ी से ये कम हो रहे हैं या नष्ट हो रहे हैं। लोकल फॉरेस्ट आर डिसअपीयरिंग टू प्रोवाइड फायरवुड एंड वुड। जो लोकल फॉरेस्ट होते हैं, वो फायरवुड के कारण या वुड के कारण, उससे जलाऊ लकड़ी लेना, फायरवुड, या उससे हम वुड लेने के चक्कर में उन्हें काट रहे होते हैं, इसके कारण ये क्या हो रहे हैं? दे आर डिसअपीयरिंग, गायब हो रहे हैं। फिशरीज आर कोलैप्सिंग, जो फिशरीज हैं, जो मत्स्य पालन है, कोलैप्स हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। फॉरेस्ट आर डिसअपीयरिंग, जंगल भी समाप्त हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। ग्रासलैंड्स आर टर्निंग इनटू वैरन वेस्टलैंड, जो ग्रासलैंड है, जो मैदान है, घास के मैदान है, वो किस में बदल रहे हैं? दे आर टर्निंग इनटू वैरन वेस्टलैंड, बंजर भूमि में, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे हम ग्रेजिंग कराते हैं जानवरों से, कि वो वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो रहे हैं। टर्निंग इनटू वैरन वेस्टलैंड, वैरन वेस्टलैंड मतलब होता है बंजर ज़मीन। एंड क्रॉपलैंड्स आर डिटेरियोरेटिंग, जो क्रॉपलैंड है, जो अनाज उगाने वाले जो ज़मीन है, वो भी नष्ट हो रही है, समाप्त हो रही है, अति दोहन के कारण, उनका एक्सेस यूज़ करने के कारण। आफ्टर दैट 4th क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज व्हाई डज द ऑथर एवर दैट द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। एवर मतलब होता है दृढ़ता के साथ कहना, अपनी बात को बिल्कुल स्ट्रांगली कहना अपनी बात को। तो ऑथर ये क्यों कह रहा है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, जो जनसंख्या वृद्धि है, ये एक स्ट्रांगेस्ट फैक्टर है, सबसे महत्वपूर्ण कारक है, फैक्टर है, जो प्रभाव डाल रहा है ह्यूमन सोसाइटी के फ्यूचर को डिस्टॉर्ट करने में। जो ह्यूमन सोसाइटी है, जो मनुष्य का जो समाज है, उसके भविष्य को खराब करने में, उसको विकृत करने में सबसे बड़ा जो कारण है, वो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन में ग्रोथ का होना। ऐसा वो क्यों कह रहा है? आंसर सेज द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज डिस्ट्रॉइंग द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। पॉपुलेशन में जो रैपिड ग्रोथ है, रैपिड मतलब होता है क्विकली, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत क्विकली इसमें ग्रोथ हो रही है, तो ये जो रैपिड ग्रोथ है, ये डिस्ट्रॉय कर रही है सोसाइटी की प्रोग्रेस को, जो सोसाइटी की जो उन्नति है, जो उसका विकास है, प्रगति है, वो इसे डिस्ट्रॉय कर रही है, बर्बाद कर रही है। इट इज़ द रूट कॉज ऑफ द पॉवर्टी, ये पॉवर्टी का यानी गरीबी का रूट कॉज यानी कि मुख्य कारण है, उसका मेन रीज़न है। ऑल द होप्स ऑफ डेवलपमेंट आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन। डेवलपमेंट के जितने भी होप्स हैं,
हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, उसके लिए कोशिश भी होती हैं, लेकिन ये जो उसकी उम्मीद है, जो होप है, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्यों? ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट पोर्शन से हम ले रहे हैं। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट पोर्शन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इसे ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन्हें हमें डिस्कस करना है, इनके बारे में इन अपने व्यूज़ को रखना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स्ड इन इंडिया। इंडिया में जो लॉज होते हैं, जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, उन्हें नेवर रिस्पेक्टेड, उन्हें कभी भी रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, उनका सम्मान नहीं किया जाता, नॉर इन्फोर्स्ड, और ना ही उन्हें लागू किया जाता है फोर्सफुली। आंसर सेज, लॉज आर मेड बट नाइदर इम्प्लीमेंटेड नॉर रिस्पेक्टेड। ऐसा बोला गया है कि जो लॉज हैं, जो कानून हैं, वो बना तो दिए गए हैं, दे आर मेड, बना दिए गए हैं, बट नाइदर इम्प्लीमेंटेड, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया जाता है और ना ही रिस्पेक्ट किया जाता है। देयर इज अ वेरी वेल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द रनिंग ऑफ अ कंट्री। इंडिया में एक वेल रिटन, बहुत ही अच्छी तरह से लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, दैट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट, जो कि सभी एस्पेक्ट, सभी पहलुओं को शामिल करता है, उसमें सभी बातें निहित हैं, कवर हैं। किस चीज़ की बातें? ऑफ रनिंग ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री को रन करने के लिए, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं उसमें ये सभी कवर होते हैं। बट एवरी डे द लॉज आर मेड एंड रिफॉर्म टेक प्लेस। हर दिन क्या होता है? लॉज आर मेड, नए कानून बनाए जाते हैं, उन्हें रिफॉर्म किया जाता है। बट जनरली कैजुअली क्या होता है, मोस्टली होता क्या है, इंडियंस बिलीव इन ब्रेकिंग द लॉज और इंटरप्रेटिंग दैम अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। लेकिन होता क्या है कि जो इंडियन होते हैं वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि लॉज जो हैं, वी कैन ब्रेक दैम, हम उन्हें तोड़ सकते हैं। सो दे बिलीव इन ब्रेकिंग द लॉ, वो कानून को तोड़ने में बिलीव करते हैं, या फिर इंटरप्रेटिंग दैम, उनमें चेंजेस लाना अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस, अपने कन्वीनियंस के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार वो उसमें चेंजेस भी ले आते हैं। इन अवर कंट्री द कोर्स ऑफ जस्टिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। हमारे देश में होता क्या है कि जो जस्टिस का कोर्स है वो बहुत टाइम लेता है। यदि हम किसी चीज़ में जस्टिस की बात करें तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। वी बिलीव इन द फैक्ट दैट जस्टिस डिलेड इन जस्टिस डिनाइड, और हम इस बात पर बिलीव करते हैं कि जस्टिस में डिले होना मतलब जस्टिस का ना होना। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट Here people take law in their hands and try to meet their demands according to the way they want to. तो इस तरह से वो माना जाता है कि लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं अपनी डिमांड को पूरी करने के लिए, उसी तरीके से जिस तरह से वो चाहते हैं, मतलब वो अपने हिसाब से कानून में बदलाव कर लेते हैं। Second question is, are we to leave our successor a scorched planet of advancing desert, impoverished landscapes and an ailing environment. अब आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं कि हम अपने सक्सेसर को, सक्सेसर मतलब जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे वंशज हैं, तो जो हमारे सक्सेसर हैं, हम उन्हें एक स्कॉर्च्ड प्लैनेट, स्कॉर्च्ड यानी एक झुलसा हुआ प्लैनेट, या एडवांसिंग डेजर्ट जिसमें कि बढ़ते हुए रेगिस्तान है, इम्पोवराइज्ड लैंडस्केप, और जो इसमें लैंडस्केप है वो कैसे हैं, इम्पोवराइज्ड हैं, मतलब कि जिसमें कमी है, एक गरीब ग्रह, एंड एन एलिंग एनवायरनमेंट, एलिंग रोगी है ना, बीमार, हम उन्हें एक बीमार एनवायरनमेंट दे रहे हैं। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? वी कैन राइट एज वी लर्न इन द टेक्स्ट द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेस्ड द एबव मेंशन्ड क्वेश्चन। ये जो सेंटेंस है ये फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट से लिया गया था, उसमें इनने ब्रांड रिपोर्ट में उनने इस बात को, इस क्वेश्चन को मेंशन किया था। अबाउट द डिटोरिएटिंग कंडीशन ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट की जो बिगड़ती हुई कंडीशन है उसके बारे में उनने इस बात को सामने रखा हुआ था। द डिप्लेशन
of forest, grassland, fisheries and cropland are the result of excessive demand of resources. जो forest, grassland, fishery और cropland का जो depletion हो रहा है, इनमें जो कमी आ रही है, ये किस कारण से है? It is the result of excessive demand of resource. Resource यानी संसाधन. संसाधन का जो अत्यधिक दोहन हो रहा है, excessive जो उसकी demand बढ़ रही है, उसके कारण इन चारों चीज़ों में depletion आ रही है, कमी आ रही है. Overpopulation has led to a severe strain on the health of our planet. और ये जो ओवर पॉपुलेशन है, जनसंख्या का इतना ज़्यादा बढ़ना है, ये हमारे प्लेनेट के हेल्थ पर एक सीवियर स्ट्रेन, एक बहुत बड़ा धब्बा बनने वाला है. इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व आवर प्लेनेट. ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने प्लेनेट को, अपने ग्रह को प्रिजर्व करें. प्रिजर्व करना मतलब होता है संरक्षित करना. तो अपने प्लेनेट को संरक्षित करना, प्रिजर्व करना, ये हमारी ड्यूटी है. वी मस्ट रियलाइज दैट द अर्थ बिलोंग्स एज मच टू द फ्यूचर जनरेशन एज मच टू अस. वी मस्ट रियलाइज, हमें इस बात को जरूर रियलाइज करना चाहिए कि अर्थ जो है फ्यूचर जनरेशन के से भी उतना ही बिलोंग करती है जितना कि हमसे. दैट मीन्स कि अर्थ पर जितना हमारा अधिकार है, उतना ही आने वाली पीढ़ी का भी है. इसलिए ये हमारी ड्यूटी है कि हम इसे प्रिजर्व करके रखें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए. देन देयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन. We have not inherited this earth from our forefather. We have borrowed it from our children. यहाँ पे एक बात बोली जा रही है कि हमने इस अर्थ को अपने forefather, जो हमारे पूर्वज थे, हमने उनसे इसे inherit नहीं किया है. Inherit मतलब होता है अपने बशीहत में पाना या उत्तराधिकार में पाना. तो ये हमें हमारे forefather से inherited नहीं है, बल्कि हमने इसे अपने चिल्ड्रन के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बोरो किया हुआ है. हमने सिर्फ इसे उधार लिया हुआ है. अब आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? वी कैन राइट, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग टू सेव दिस प्लेनेट फ्रॉम डिटेरियोरेशन. ये हर ह्यूमन बीइंग की, हर मानव की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस प्लेनेट को, इस ग्रह को सेव करे जर्जर होने से, बर्बाद होने से. वी मस्ट थिंक ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. हमें फ्यूचर जनरेशन के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए. द अवेलेबल रिसोर्सेज कैन नॉट बी एक्सप्लॉयटेड इन अ वे. जितने भी रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हैं, हम उन्हें इस तरीके से एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते हैं, उनका इस तरीके से हम शोषण नहीं कर सकते हैं, दोहन नहीं कर सकते हैं, that nothing is left for our children, कि हमारे बच्चों के लिए या हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी ना बचे. The planet is an inheritance to be preserved for future generation. ये जो planet है, ये हमारे लिए एक inheritance है, हमारे पूर्वजों से मिली हुई एक चीज़ है. टू बी प्रिजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन, जो हमें अपनी आने वाली पीढ़ी, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्रिजर्व करके रखनी है. मार्गरेट टैचर हैज़ राइटली शेड. ये एक पर्यावरणविद थे, मार्गरेट टैचर. उनने इस बात को कहा, क्या कहा, कि नो जेनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ. किसी भी जेनरेशन का इस अर्थ पर फ्री होल्ड, पूरा अधिकार नहीं है. ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टिनेसी विद अ फुल रिपेयरिंग लीज. हमारा इस ग्रह पर कोई अधिकार नहीं है. इनफैक्ट हम क्या हैं, हम यहाँ पर एक टीनेंट की तरह हैं, टीनेंट, किराएदार. तो हम सबके यहाँ पर लाइफ टीनेशी, हम जिंदगी भर के लिए यहाँ टीनेशी यानी किराए से हैं, विद फुल रिपेयरिंग लीज. और इसकी रिपेयरिंग की जो लीज है वो भी हमारी है, हमें इसको रिपेयर भी करना है. आफ्टर दैट फोर्थ क्वेश्चन, द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉल्यूशन दैट डायरेक्टली अफेक्ट अवर एवरीडे लाइफ. हमें इस बात को बताना है, एक्सप्रेस करना अपने व्यूज़ को, कि जो ओवर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, इसने हमारी एवरीडे लाइफ को कैसे डायरेक्टली अफेक्ट किया है, प्रभावित किया है.
ओवर पॉपुलेशन इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। जो ओवर पॉपुलेशन है, सॉरी पॉल्यूशन शायद मैं बोल रही हूँ, तो जो ओवर पॉपुलेशन है, जनसंख्या में जो वृद्धि है, ये सभी प्रॉब्लम्स का, ऑल प्रॉब्लम का रूट कॉज है। रूट यानी जड़, मूल, मुख्य, बेसिक। तो ये ओवर पॉपुलेशन ही सभी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज है। इट डायरेक्टली अफेक्ट अवर एवरी डे लाइफ। जो ये ओवर पॉपुलेशन है ना, ये डायरेक्टली सीधे सीधे हमारी एवरीडे लाइफ यानी रोज की लाइफ को अफेक्ट करती है। अफेक्ट करना यानी प्रभावित करना। ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज आर बीइंग कंज्यूम्ड अप। जितने भी रिसोर्सेज यानी संसाधन, हवा है, जल है और खनिज हैं, पेड़ हैं, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये बीइंग कंज्यूम्ड अप, ये सब कंज्यूम हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं। ओवर पॉपुलेशन has ruined all the resources। सारे resources को over population ने ruin कर दिया है, क्योंकि जितनी population है उसके हिसाब से resources available नहीं है। resources कम है, population ज़्यादा है, जिस कारण से ये सब क्या हो रहे हैं, ruin हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। poverty, unemployment, corruption, black marketing and pollution are the product of over population। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो पॉवर्टी हो, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट हो, बेरोजगारी, करप्शन हो, भ्रष्टाचार, ब्लैक मार्केटिंग हो या पॉल्यूशन हो, ये सब जो है ये प्रोडक्ट हैं ओवर पॉपुलेशन के। दैट अफेक्ट अवर एवरीडे लाइफ, जो कि हमारे एवरीडे की लाइफ को, रोज़ की लाइफ को अफेक्ट करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं।